नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम ये ऐड सिग्नेचर कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सिखाएंगे दोस्तों। और अगर आपके पास अगर सिग्नेचर का अगर आपके पास इमेज है या पिक्चर है तो आप यहाँ से इंसर्ट में से भी आप इजीली असाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पिक्चर्स में क्लिक करेंगे, अगर आपने सिग्नेचर आपकी पिक्चर्स में या डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव करके रखिए तो आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली सिग्नेचर जो है दोस्तों हमने यहाँ पे एक्सेल में से बनाई है, ये हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो साइन इंसर्ट किए मैं इसे सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऐड सिग्नेचर के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट साइड पे एक ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन, बस इसे ओपन कीजिए। देखिए इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। डिजिटल सिग्नेचर के जैसे ही इसे ओपन कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, एक बार क्लिक कर दीजिए तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए एक मैं नाम लिखता हूँ, पंकज गांधी, देखिए इस तरीके से पूरा एग्जांपल में ऐसे फुल नेम लिखना। उसके बाद सजेस्टेड साइनर्स टाइटल, वो कौन सी पोजीशन है, पोजीशन पे इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैनेजर, और देखिए सजेस्टेड साइनर्स ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहिए तो यहाँ पे रखिए नहीं तो निकाल दीजिए। और उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन टू द साइनर बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई दैट द कंटेंट यू असाइन, बस आपको सिंपली यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक असाइन साइन बन गई, राइट क्लिक देखिए, तो अब इसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप एक्सेल की साइन से आप कनेक्ट भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस साइन को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मूव कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर लाइन को क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, तो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसे यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पिक्चर्स, थोड़े बहुत हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं फॉर्मेट के। आप कलर्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, फिर आप लाइन को कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग भी आप इस साइन के साथ इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये लास्ट वाला जो ऐड सिग्नेचर सर्विसेज है, ये जो साइन है मतलब आप इसे मतलब ये डायरेक्ट आपके नेट पे चला जाएगा दोस्तों, आपके इंटरनेट पे चला जाएगा और वहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देगा कि आप इसे कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो दोस्तों कि आप एक्सेल के अंदर सिग्नेचर कैसे ऐड कर दें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।